हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज एक शेयर लेके आया था जो कि एनसीएलटी में बिलोंग करता है और उस पर बहुत दिन से बाजी लगी हुई थी खरीदने और बाद बहुत लोग लगे हुए थे, बिड़ला साहब लगे हुए थे और कहीं ना कहीं आपके ये भी लगे हुए थे, आपके बाबा जी। रुचि को 4,325 करोड़ रुपये भी क्यों खरीदा है बाबा रामदेव जी ने? तो अल्टीमेटली बाबा रामदेव जी ने इसको विन कर लिया है। और आज का न्यूज है ये, 1 मई 2009 का अभी न्यूज आया 6:47 में, स्वामी रामदेव की अगुवाई वाले पतंजलि समूह अब तक के अपने सबसे बड़ी अधिग्रहण के तहत 4,325 करोड़ रुपये में रुचि सोया इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए तैयार है। कर्जदाताओं के समूह ने रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि की बोली को मंजूरी दे दी है। मंजूरी पतंजलि ने ये बोली अदानी समूह को पिछाड़ कर हासिल की है। इसे ही मैं ये सवाल ये है कि आखिर रुचि सोया में ऐसी क्या बात है कि पतंजलि ने आक्रामक बोली लगाते हुए 4,325 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया। तो इसमें सिंपल 9,000 करोड़ का इसका डेप्ट है, एनसीएलटी में बिलोंग करता है। तो इसको क्या अच्छा लगता है, इनको बाबा जी को क्या अच्छा लगता है, रामदेव बाबा को? ऐसे में ये सवाल है कि कर्ज में फंसी हुई एक कंपनी को खरीदने के लिए पतंजलि कैसे तैयार होगी? इसकी वजह से रुचि सोया की उत्पादन क्षमता, इसकी जो वजह है, रुचि सोया की वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता 33 लाख टन है। देश भर में रुचि सोया के 13-14 रिफाइनिंग प्लांट है जिसमें से करीब 5 बंदरगाहों के नजदीक हैं। इससे इस कंपनी को एक प्रतिस्पर्धा बढ़ती मिलती है। दूसरा, कंपनी का टर्नओवर 14-15 में 31,561 करोड़ था, भले अभी 12,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है। अब इसका टर्नओवर जा करके देखेंगे तो आपको टर्नओवर देखिए इसका जो सेल्स है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये पहले जो था 26,000, 25,000, 28,000, 27,000, अभी आकर के ये 12,000, 11,000 पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसका टर्नओवर था वो अच्छा खासा 31,000, 32,000, 14-15 में 31,561 करोड़ का था, तो अच्छा था पहले। अभी जा करके आपको इसमें कम टर्नओवर दिख रहा है, यहाँ पे 2014 के बाद आसपास, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है। कंसोलिडेटेड देख लेते हैं एक बार इसको, तो कंसोलिडेटेड में भी देखेंगे तो 28,455 करोड़ का ही बता रहा है। अभी जा करके ये 12,000 करोड़ का है। लेकिन एज ए रुचि सोया को एज ए इंडस्ट्री जानने पहले क्या है, एक पेनी स्टॉक है, इसमें पैसा फंसाना मैंने, ये ऑलरेडी एनसीएलटी में है, इसकी हिम्मत नहीं थी। 8,078 करोड़, 9,000 करोड़ का डेप्ट है इसको भरने का, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस कंपनी है, ये एनसीएलटी में पड़ी हुई है। प्रमोटर 28% उसमें से 26% प्लीज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, कैश निगेटिव है, कैश इसके पास नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव है। तो ये सब इस कंपनी के लिए निगेटिव था, इसके लिए एनसीएलटी में गई थी। लेकिन बाबा जी को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बाबा रामदेव जी को बहुत अच्छा लग रहा है ये कंपनी, और लग रहा है कि चूंकि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 33 लाख टन है और 13-14 रिफाइनिंग प्लांट और बंदरगाह के पास है, और कहीं ना कहीं इसकी 31,500 करोड़ की जो 31-32 हज़ार का टर्नओवर था ये वापस ला सकते हैं। इसके सामने जहाँ 9,000 के सामने अगर 50% पे इनको ये मिला, 50% में 4,325 करोड़ में लेते हैं तो इनको फायदा दिखता है, ऐसा लगता है इसमें फायदा हो सकता है। लास्ट क्लोजिंग में जब देखेंगे आप 30 अप्रैल को ये 25 पैसे के साथ क्लोज हुआ, 3% ऊपर के साथ, 2,51,20,000 वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे बाइंग सेंटीमीटर 76% है, यहाँ पे आप देखेंगे बुक वैल्यू निगेटिव है, डिलीवरी परसेंटेज 30-31% है और इंडस्ट्री पी 13% है, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है। इसका होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर ने 28% किया है, कोई बाइंग सेंटीमेंट नहीं, प्लीज 26% है। रिटर्न आप इसका एक बार देखेंगे तो सब नेगेटिव आपको दिख रहा होगा। YTD यहाँ भी ये प्राइस खेल रहा है छोटा मोटा, 6 महीने यहाँ प्रायोर, बाकी आप सारा नेगेटिव है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन इसके लिए नहीं है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, आपको पैसा इसमें फंसाना है कि नहीं फंसाना है ये आपको देखना है। ये पेनी स्टॉक है, अगर कोई पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो ही इसमें देख लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइमली इन और आउट होना जरूरी होता है। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड इसकी जो 1 करोड़, 1 करोड़, मतलब ये न्यूज़ पहले से किसी को मालूम थी और वो इसको बाइंग कर रहा है, कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, और ट्रांजेक्शन देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ हो रहा है, 2,51,00,000 का भी हुआ है। अब इस न्यूज़ के बाद ये 100% ऊपर जाएगा, ऊपर जाना भी चाहिए, और कहीं ना कहीं 12, अगर इसको वीकली मंथली बेसिस पे देखें तो 12 रुपये के आसपास यहाँ तक जा सकता है, और 12 क्रॉस करता है तो 23 की ओर भी जा सकता है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखें, इसका मूविंग एवरेज की बात करें तो इसका जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे आपको एक आता है आपको 8.98 रुपया आ रहा है पहला आ रहा है, जो कि इसका आ रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे। उसके बाद 100 दिन का मूविंग एवरेज 13 पे चला जाता है, फिर 150 का चला जाता है 17 रुपये पे, और फिर 20 रुपये पे। अगर मूविंग एवरेज से देखें तो ये भी कहीं ना कहीं 13 की ओर बता रहा है,
और अगर बोलिंगर बैंड से देखें तो ये भी कहीं ना कहीं 12 की ओर बता रहा है, तो पहला टारगेट 12 से 13 रुपया हो सकता है और वहां से फिर आगे निकलता तो 23 रुपये की ओर जा सकता है, जो कि यहाँ का भी टारगेट है इसका 23 रुपये की ओर। देखिए 20 रुपया दिख रहा है जो कि इसका 200 दिन का टारगेट है। वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी हो रही है। पैटर्न अगर तोड़ता है, अगर ऊपर की ओर निकलता है तो हो सकता है ये 23 रुपये आपको दिखाए। आज 7 रुपये इसकी CMP जो चल रही है, 7 रुपये 45 पैसे पे चल रही है। BSE NSE दोनों पे सेम है, तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेंड देख सकते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देख लेते हैं एक बार इसको। ये भी ये जो है 43 से 45, ये भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। लास्ट क्लोजिंग जो भी थी इस न्यूज़ पे नहीं था पता, लेकिन आज जस्ट अभी ये न्यूज आया है कि बाबा रामदेव ने इसको बाय करने के लिए, और इसके जो वो थे जो बेचने वाले वो तैयार हो गए। कर्जदाताओं के सबों ने रुचि शाह को खरीदने के लिए पतंजलि को बोली मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको 12-20 की ओर जाते हुए हो सकता है ये जाए। इसको कोई पेनी स्टॉक के रूप में लेना, ये जीरो हो जाए तो आप घबराना नहीं, उस हिसाब से लेना कि ये कल जाकर के जीरो हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रो स्टील के साथ ऐसा हो चुका है। और अभी भूषण स्टील को जैसे टाटा ने सम्मान दिया, अगर वैसा देते हैं ये तब तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो इलेक्ट्रो स्टील का केस आप याद रखिए। कैसे शेयर होल्डर का पैसा अगर डिलिस्ट करा देंगे इसको, अगर रुचि शेयर को बाबा जी डिलिस्ट करा करके काम करेंगे तो आपका ये पैसा जीरो हो जाएगा। और अगर भूषण स्टील की तरह चलाएंगे जैसे टाटा चला रहा भूषण स्टील को, तो यहाँ से आपको ये 2 गुना 3 गुना होते हुए दिखा सकता है। ये क्या करेंगे रामदेव बाबा जी ये मुझे नहीं मालूम है। मैं आपको एक खाली एक स्पाइक पे बता रहा हूँ कि ये 12 रुपये तक जा सकता है, तो अगर है तो आप पेनी स्टॉक के रूप में इसको डील कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।